गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल मैं आपको मॉडल करवा रहा था और मॉडल में मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया था टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परमिशन। वर्तमान समय में आज्ञा या अनुमति व्यक्त करने के लिए, देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको करवाया था खालिस्तान आई यूज योर बुक फॉर ए डे। वाक्य है जिसमें किसका प्रयोग हुआ, कैन का, वो उसकी एक दिन के लिए पुस्तक को प्रयोग करने के लिए यूज करने के लिए अनुमति मांग रहा है। तो कैन आई यूज योर बुक फॉर ए डे। तो इससे आगे देखिए बेटा, इसे नेक्स्ट है, देखिए खालिस्तान आई यूज योर फोन, खालिस्तान आई यूज योर पेन फॉर ए मिनट, MINUT क्वेश्चन मार्क। ये भी बेटा एक मिनट के लिए उसका फोन यूज करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो इसमें क्या आएगा, कैन आएगा। इसे आगे देखें, ऊपर लिखो बेटा, देखें साथ साथ कॉपी में नोट करते रहें। देखिए नेक्स्ट है, खालिस्तान यू गाइड मी ब्रदर, खालिस्तान यू गाइड मी ब्रदर। इसमें भी अपने भाई से गाइड यानी मार्गदर्शन, किसी काम के या किसी भी बात के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने भाई से वो कह रहा है। तो कहते हैं कैन यू गाइड मी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ब्रदर, भाई। इसमें उसकी अनुमति मांग रहा है। उसे आगे देखें, खालिस्तान आई यूज योर पेन, खालिस्तान आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। सेंटेंस बेटा सारे एक से ही हैं, इनमें सब्जेक्ट है वो चेंज हो गई या किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया गया। इसमें बेटा क्या आएगा, कैन आएगा, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, क्या मित्र मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। ये बेटा टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परमिशन के लिए था। अब इससे आगे देखें, अगला पॉइंट है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी। आगे देखें, अगला पॉइंट है नंबर तीन, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट थ्योरेटिकल। वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए, प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान व्यवहारिक और सामान्य संभावना के लिए। तो देखिए बेटा, एनीबॉडी खालिस्तान विन द रेस, फर्स्ट एग्जांपल, एनीबॉडी खालिस्तान विन द रेस, क्या आएगा इसमें, कैन, यानी सामान्य संभावना है कि कोई भी व्यक्ति रेस को जीत सकता है। ऊपर देखें, दूसरी अगला देखें बेटा, वी खालिस्तान लर्न बाई मिस्टेक,
किसी का होता है बड़ा ठोकर लगने के बाद आदमी समझ जाता है, जब हमसे किसी काम में गलती होती है तो दोबारा हम उस गलती को नहीं करते। तो इसमें यही कहेगा भी खालिस्तान लर्न बाई मिस्टेक, इसमें क्या आएगा कहना आएगा। उससे आगे देखें खालिस्तान इट बी ए सोसाइटी आत्म, इसमें भी कहेगा सामान्य संभावना है, इसमें संभावना लग रही है कि इसमें हो सकता है ये सुसाइड किया गया। ये बेटा आपका तीसरा पॉइंट था, उसे अगला पॉइंट देखे नंबर चार, पॉइंट नंबर फोर देखे बेटा, देखिए टू एक्सप्रेस पजलमेंट, टू एक्सप्रेस पजलमेंट एलिमेंट, एलिमेंट पजलमेंट और इम्पेशेंस बाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए प्रश्नवाचक वाक्य के द्वारा इम्पेशेंस या पजलमेंट को व्यक्त करने के, देखिए ऊपर देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है कि व्हाट खालिस्तान बी मीन, इसमें बेटा क्या आएगा कहना है। देखिए इसमें कहता है, इसमें बताया कि जब कोई व्यक्ति के सामने कोई एकदम हैराने वाली बात या एकदम घबराने वाली बात आ जाती है तो एकदम घबरा जाता है और घबरा करके पूछता है कि इसमें पूछा है व्हाट कैन बी मीन, इसका मतलब क्या है, अर्थात कोई घटना कोई किसी सच्चाई को न बता करके कोई छुपाई हुई छुपा करके कोई बात बताई जाए तो अचानक उसका मतलब पूछता है इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कोई दुखद घटना को एकदम खुले रूप में न बता करके और उसे समझाने की कोशिश करे तो ऐसी स्थिति में वो घबरा जाता है और पूछता है इसका मतलब ये हो सकता है। इसी तरीके से अगला देखें Where Khalistan I study, Where Khalistan I study, देखिए कि Where Khalistan I study कि मैं अब पढ़ाई कहाँ करूंगा, इसमें क्या आएगा बेटा कहना है। जब पहले कहीं रूटीन में कोई पढ़ाई कर रहा हो और वह स्थान और उसके लिए रोक दिया जाए या उसमें कोई और व्यवस्था कर दी जाए तो उस स्थिति में पूछ सकता है कि मैं अब पढ़ाई कहाँ करूंगा, अर्थात वो एकदम हैरान हो जाता है, अधैर्य हो जाता है, उसको वो धैर्य खो देता है कि मेरी पढ़ाई का स्थान अब ये नहीं तो मेरी पढ़ाई अब कहाँ हो सकेगी। अगला देखें इसी तरीके से अगला दिया हुआ है खालिस्तान आई स्लीप, इसमें भी क्या है ये भी सेम ही है बेटा कि मैं अब कहाँ सोऊंगा, इसमें पहले वाले सोने के स्थान को जब क्लोज कर दिया जाता है तो पूछेगा कि अब मैं मुझे कहाँ सोना है तो वेयर कैन आई स्लीप, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये देखें आपका नंबर चार था, नंबर पांच देखें टू एक्सप्रेस प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल देखो बेटा कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कंडीशन दी हुई होती है, यदि उस कंडीशन को पूरी कर देता है तो वो बात हो सकती है उसकी। तो देखिए इसमें मैं
एक एग्जांपल आपके सामने करवा रहा हूँ टू एक्सप्रेस प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्यों में किस प्रकार से रचनाते देखे। इसमें क्या हुआ है कि इफ यू रिक्वेस्ट, फर्स्ट देखिए ऊपर देख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में, इफ यू रिक्वेस्ट ही खालिस्तान हेल्प यू, ही खालिस्तान हेल्प यू। तो इसमें देखो ये बेटा शर्त है कि इफ यू रिक्वेस्ट, यदि आप प्रार्थना करें, ये शर्त है यदि आप प्रार्थना करेंगे तो ही कैन हेल्प यू, वह आपकी सहायता कर सकता है। यदि आप उसे प्रार्थना या रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वह आपकी सहायता नहीं करेगा। तो इसमें ये शर्त बना दी गई है कि इफ यू रिक्वेस्ट, यदि आप प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें। तो ये इस तरीके के जो शर्त वाले कंडीशनल जो सेंटेंस है जिनमें ये शर्त दे दी होगी ये काम करोगे तो आपका ये कार्य हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस में भी कैन का प्रयोग होगा। तो इसमें आएगा कि ही कैन हेल्प यू। इसके साथ एक और देख लिए कि इफ ही ट्राइज he Khalistan get first position. इसमें भी यही है बेटा कि if he tries, यदि वह कोशिश करे, यदि वह कोशिश करता है तो he can get फर्स्ट पोजीशन, वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, और यदि कोशिश नहीं करेगा तो वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये शर्त लगाई है कि यदि आप ये कंडीशन रख दी गई, यदि आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सकते। इसमें आएगा ही कैन गेट ए फर्स्ट पोजीशन। तो बेटा आज का आपका होमवर्क यहीं तक है, इसमें एक दो सेंटेंस और करवाएंगे कल। तो आज तक यही है, धन्यवाद बेटा।